ये वाला ऑन कर। हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में स्टडी कर रहे हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या होता है। और इसके पहले क्लास में मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर के द्वारा किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, उसके बारे में हमने देखा था। उसके बाद मैंने ये बताया था कि जब किसी भी वायर को हम सर्कुलर आर्क के रूप में बेंड कर दें तो उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, और हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 2k λ/r (sin α/2), वेयर अल्फा इज द एंगल सबटेंडेड बाई द आर्क एट इट्स सेंटर। लेमडा क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। उसी के आगे हमने देखा था कि कोई यदि सर्कुलर वायर है या रिंग है, उसके सरकमफेरेंस पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसके एक्सिस के किसी भी पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, उसको हमने देखा था, ठीक है। और हमने ये देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग इज इक्वल टू (kq(x)/(x²+r²)³। उसके बाद हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है रिंग के एक्सिस पे मैक्सिमम कहाँ होता है, (x)(±r/√2) पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं होमवर्क देता हूँ, हालांकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको बेटा ट्राई कर लेना तुम लोग। कि देखो क्या है, रिंग है, ठीक है, दिस इज एक्सिस, और नहीं आएगा तो इसको मैं डाउट क्लास जो होगा उसमें एक्सप्लेन कर, हालांकि आ जाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आएगा, ठीक है। सेंटर है, इसका रेडियस जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है। इसके सेंटर पे यहाँ कोई पार्टिकल है जिस इस पे चार्ज कैपिटल क्यू है, ठीक है, इस पे पार्टिकल है जिस पे चार्ज क्या है, माइनस क्यू, और मास क्या है, एम है, ठीक है। क्या है मास, क्या है, एम है। रिंग जो है क्या है, रिंग जो है वो क्या है, फिक्स्ड है, याद रखना है, फिक्स्ड। तो आपको पूछा गया, समझ में आया कि चार्ज रिंग है, उसके सेंटर पे एक पार्टिकल जिस पे चार्ज क्या है, माइनस क्यू है, और उसका मास क्या, एम है, रखा गया है, ठीक है। तभी आप देखोगे इसके सेंटर पे नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। तो आपको ये फाइंड आउट करना है, आपको ये देखना है कि यदि माइनस क्यू चार्ज को एक्सिस के अलॉन्ग हम डिस्प्लेस कर दें तो उसका जो मोशन होगा वो क्या होगा, ऑसिलेटरी होगा, और यदि एक्स बहुत ही छोटा होगा तो उसका मोशन जो होगा वो क्या होगा, सिंपल हार्मोनिक होगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ, इन द शोन, ठीक है, शोन फिगर, इफ पार्टिकल ऑफ मास एम एंड चार्ज माइनस क्यू इज displaced slightly from the center of the ring along x axis, then prove that its motion is SHL, ठीक है। also find time period, ठीक है बेटा, समझ में आया। और कॉन्सेप्ट क्या है इसका आंसर जो होगा वो भी लिख देता हूँ कि तुमको दिक्कत नहीं होना चाहिए। आंसर क्या होगा ये भी लिख देता हूँ, देखो (t)(2π)√ क्या होगा, m r³
एम आर क्यूब, आर इसका रेडियस है, अपॉन के क्यू स्मॉल क्यू, ठीक है। यही क्या होगा आंसर होगा। के का वैल्यू आपको मालूम है, के इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁹ और 1/4 πε0। यहाँ हिंट्स भी मैं देता हूँ, कुछ नहीं करना है, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड आई मीन कूलम फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, चार्ज, मूविंग चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। क्या होगा, यही आपको क्या करना है, पहले क्या करना है, देखो इसको क्या करो, इसके सेंटर से डिस्प्लेस करो इधर कहीं, इस पे फोर्स लिखो। फोर्स कैसे लिखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज, चार्ज क्या है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ मूविंग चार्ज, ठीक है। इस केस में क्या लिखोगे, मूविंग चार्ज। फिर यदि ये मिल जाएगा तो मैग्नीट्यूड वाइज क्या लिखोगे, एम इंटू ए इक्वल टू क्यू इंटू ई, और ए इक्वल टू क्या होगा, क्यू इंटू ई अपॉन क्या हो जाएगा, एम, ठीक है। यहाँ से आपको ई जब लिखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वेयर ई का जो वैल्यू मैंने बताया था कि ई एट एनी डिस्टेंस, डिस्टेंस एक्स क्या होगा, के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर के पावर 3/2, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। और उसके बाद क्या करोगे, बाय कंपेयरिंग स्टैंडर्ड इक्वेशन, मैंने बताया था कि एक्स आर से बहुत छोटा होगा तो क्या होगा, ऑलरेडी 3-4 केसेस ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, उसके बाद स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा क्या हो जाएगा, T इक्वल टू कितना होगा, 2π√√mr³/kqqq, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, ठीक है। उसके बाद अगला जो इसमें टाइप है कि अब पढ़ेंगे कैलकुलेशन, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड डिस्क, ठीक है, एट एनी पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है, समझ में आया क्या, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्क एट एनी पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। ऑलरेडी हम ग्रेविटेशन में रिजल्ट पढ़ चुके हैं, सेमी रिजल्ट है, दूसरा कुछ सोचना नहीं है यहाँ। देखो अब मैं ये मान लेता हूँ कि दिस इज रिंग, सॉरी डिस्क, डिस्क पे चार्ज जो है क्या है, यूनिफॉर्मली क्या है, थोड़ा सा मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ठीक है, नहीं ऐसे, यही एक्सिस है, ठीक है। यहां देखो, दिस इज डिस्क, डिस्क पे चार्ज जो है वो क्या है बेटा, यूनिफॉर्मली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, समझ में आया, क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। बहुत अच्छे से कूल होकर के सोचना है, पहले तो सोचना है कि हम कैसे, अब यहां से इसके, इसका रेडियस क्या है बेटा, रेडियस जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, चार्ज जो दिया हुआ है मान लो कि क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्यू तो यहाँ मैंने बताया था क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सिग्मा इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई क्यू, क्यू अपॉन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, समझ में आया। सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल टू क्या होगा, चार्ज अपॉन एरिया। अब एक्सिस पे कोई पॉइंट पी है, ठीक है, यही कोई पॉइंट पी है जहाँ अपने को क्या करना है, फील्ड निकालना है। और यहाँ देखो, ये वाला जो एंगल है बेटा, ये क्या है, थीटा है, और यहाँ से कितने डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे क्या करना है अपने को, फील्ड निकालना है। तो अपूर्स क्या करें, हम ऐसे सोचें कि डिस्क जो है वो छोटे छोटे रिंग को कंबाइन करके क्या किया गया है, बनाया गया है, क्या किया गया है, बनाया गया है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्क को क्या करेंगे, छोटे छोटे रिंग में हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे,
और एक रिंग कंसीडर करके उसके द्वारा फील्ड लिखेंगे, देखो रिंग के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है, और फिर जब इंटीग्रेट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो जस्ट मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैं बताऊँगा नहीं। बाईसिमेट्री यहाँ ध्यान रखना है कि नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज से क्या होगा, सेंटर से अवे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा। ठीक है, पी पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज यदि डिस्क पे है तो अलवेज पॉजिटिव चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अवे होगा। ठीक है, तो यहाँ मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो हमने क्या किया बेटा, देखो यहाँ से क्या किया, आर रेडियस का, स्मॉल आर रेडियस का एंड डी आर थिकनेस का एक हमने क्या किया, रिंग कंसीडर कर लिया। ठीक है, क्या कंसीडर कर लिया, रिंग। इसके द्वारा हम आसानी से क्या कर सकते हैं, इस पे जो चार्ज होगा वो क्या होगा, डी क्यू होगा। ठीक है, और डी क्यू इक्वल टू हम लिख सकते हैं, डी क्यू इक्वल टू कितना होगा, सिग्मा इंटू डी ए, और इस रिंग का जो एरिया कैलकुलेट करोगे तो कितना होगा बेटा, बता सकते हो, सिग्मा इंटू टू पाई आर इंटू क्या हो जाएगा, डी आर। अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ऑलरेडी मैं ग्रेविटेशन में पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मैं केवल मैंने बताया कि हमको इसको कैलकुलेट कैसे करना है, और ग्रेविटेशन में भी जो रिजल्ट मैंने पढ़ाया था वो मैं बताता हूँ। ठीक है, तो रिंग मालूम चल गया। अब देखो इसको मैं यदि अलग डायग्राम ड्रॉ करूँ, समझ में आया, अलग डायग्राम हम ड्रॉ कर लें तो हम सोचेंगे ये ए रिंग है, इधर मैं डायग्राम ड्रॉ, ये रिंग दिया हुआ है, ठीक है, जिस पे चार्ज क्या है, डी क्यू है, डी क्यू है, और इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे अपने को क्या करना है, फील्ड लिखना है पी पॉइंट पे। इसका रेडियस क्या होगा बेटा, इसका रेडियस स्मॉल आर होगा। तो अभी मैंने बताया था कि रिंग के द्वारा, अब डिफरेंशियल रिंग के द्वारा जो फील्ड होगा उसको डी लिखेंगे, और बाईसिमेट्री देखो इनके द्वारा जो फील्ड होगा वो किधर होगा, इधर होगा, तो मैं लिख सकता हूँ डी ई पी इज इक्वल टू क्या होगा, के डी क्यू एक्स अपॉन क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर के पावर क्या हो जाएगा, 3/2। ठीक है, यहाँ मैं लिखूंगा कि डी ई पी इज इक्वल टू डी क्यू का वैल्यू रखो तो के एक्स इंटू टू पाई आर डी आर सिग्मा अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा, आर स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, ई पी यदि लिखोगे तो कितना होगा ये मैं बता देता हूँ, देखो तो 2 पाई, ठीक है, सिग्मा के एक्स इंटीग्रेशन स्मॉल आर का वैल्यू क्या होगा, 0 to R, ठीक है, आर डी आर अपॉन हमने क्या लिखा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। इसको जब सॉल्व करोगे तो देखो आप टोटल फील्ड मिल जाएगा, ई पी का जो वैल्यू होगा वो कितना आएगा ये मैं बता देता हूँ, देखो ई पी इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 ε₀ × 1 - एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस क्या होगा, एक्स स्क्वायर। अब ये रिजल्ट आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड क्या था, डिस्क के एक्सिस पे ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला क्या था बेटा, 2g 2 पाई जी सिग्मा इंटू 1 - x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसको देखो अब यहाँ से तुम लिख सकते हो, देखो कॉस थीटा लिखोगे बेटा तो कॉस थीटा क्या होगा बता सकते हो, एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं कि सिग्मा पी, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 ε₀ × 1 - क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो दोनों रिजल्ट आप दोनों तरह से रिजल्ट को क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ ये देखना है कि डिस्क के सेंटर पे फील्ड जीरो नहीं होगा, समझ में आया ना, यहाँ से तुम देख सकते हो। ठीक है, तो डिस्क के एक्सिस पे क्या होगा, फील्ड का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 ε₀ × 1 - x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये भी याद रखना
कि जब हम इप्सिलन जीरो रखते हैं तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, आई मीन हमने डिस्क को कहाँ रखा है, फ्री स्पेस में रखा है, ठीक है, एयर में रखा हुआ है, वैक्यूम में रखा हुआ है। अब यहाँ से कई सिचुएशंस, कई केसेस डिराइव होंगे। अब देखो यहाँ नोट में मैं लिखता हूँ, देखो ध्यान से, इफ x इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो, क्या हो जाएगा, इफ x इज इक्वल टू जीरो, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ डिस्क क्या होगा, देखो ई सी इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर इस सी इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा, देखो एक्स जीरो हो गया तो सिग्मा अपॉन क्या हो जाएगा, टू एप्सिलॉन जीरो हो जाएगा, ठीक है। डिस्क के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो हो जाएगा, जीरो नहीं होगा, समझ में आया ना। उसके बाद ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट हम यदि कंसीडर कर लें कि इफ एक्स इज वेरी लार्ज, तो हम लिख सकते हैं इफ एक्स इज मच मच ग्रेटर देन आर, देन देखो ध्यान से, देन ई पी इज इक्वल टू लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो इंटू वन माइनस, ठीक है, यहाँ से आप x कॉमन ले लोगे बेटा तो ये कितना हो जाएगा, ऐसे हम लिख सकते हैं वन प्लस आर अपॉन एक्स द होल स्क्वायर के पावर कितना होगा, माइनस आर, ठीक है, समझ में आया, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ आप देखोगे यहाँ भी इफ, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से टू इप्सिलन जीरो, ठीक है, इनटू लिख सकते हो यहाँ वन माइनस, ठीक है, वन माइनस वन बाई टू आर स्क्वायर अपॉन क्या होगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं ई पी इक्वल टू सिग्मा अपॉन टू इप्सिलन जीरो क्या होगा, आर स्क्वायर अपॉन टू एक्स स्क्वायर, और ऐसे भी लिख सकते हैं ई पी इज इक्वल टू, ठीक है, ये बेसिकली एग्जैक्ट नहीं होगा, नियरली इक्वल होगा, ठीक है, यहाँ से लिख सकते हैं देखो सिग्मा पाई आर स्क्वायर अपॉन फोर पाई इप्सिलन जीरो एक्स स्क्वायर, और ए वाला जो टर्म होगा वो क्या होगा, टोटल चार्ज हो जाएगा, तो ई पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन क्या होगा, फोर पाई इप्सिलन जीरो एक्स स्क्वायर। ये तो वही फार्मूला हो गया यार, किसका फार्मूला हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी डिस्टेंस एक्स ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द डिस्क if that point is far away from the center of the disk, disk will behave like a point charge which is concentrated at its center. तो यहाँ मैं डायग्राम ड्रॉ करके बता देता हूँ बेटा, ठीक है, कि ये डिस्क है, डिस्क पे क्या है, चार्ज जो है वो क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, पी पॉइंट पे फील्ड लिखना है, और ये एक्स कितना पी पॉइंट पे, इसका रेडियस जो है वो क्या है, आर है, और यहाँ दिया हुआ है कि एक्स इज मच मच ग्रेटर देन क्या होगा, आर, तो यहाँ हम लिख सकते हैं ये इस पर चार्ज क्यों है, तो इट कैन बी रिप्लेस, आई मीन डिस्क कैन बी रिप्लेस बाई ए पॉइंट मास चार्ज सिचुएटेड एट इट्स सेंटर एट ए डिस्टेंस एक्स, ठीक है, तो ये हो जाएगा, समझ में आया ना। तो यहाँ ये याद रखना, कभी कभी ये पूछा जा सकता है कि यदि x बहुत ही लार्ज हो जाए, नॉट इन्फिनिटी एग्जैक्ट, वैन x इज वेरी लार्ज, इन दैट केस द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, इन दिस केस द डिस्क विल बिहेव लाइक ए पॉइंट मास, क्या होगा, पॉइंट मास की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा, और फिर हम क्या करेंगे, पॉइंट मास वाला फॉर्मूला सिंपली यूज कर लेंगे, ठीक है। तो जब x क्या था, जीरो था,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आई मीन एट द सेंटर ऑफ द डिस्क सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो। यदि एक्स बहुत ही बड़ा है तो डिस्क विल बिहेव लाइक ए पॉइंट मास। अब यदि एक्स इन्फिनिटी हो जाए तो क्या होगा? बता सकते हो यहाँ x इन्फिनिटी हो जाए, इफ x इज x टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, तो उस केस में देखो क्या हो। ep इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन वन माइनस x अपॉन x इंटू वन प्लस आर बाई एक्स द होल स्क्वायर की पावर वन बाई टू, ऐसे लिख सकते हैं बेटा। तो ई पी इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन, ठीक है, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो देखो अभी बोलोगे सर ये दोनों फार्मूला आई मीन इसमें और इसमें हम कब यूज करें, तो ये जनरली हम क्या करते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंगली जाते हैं बेटा। ऑप्शन कैसा दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं क्वेश्चंस को सोचते हैं, ठीक है। चौथा जो दिया हुआ है, चौथा जो रिजल्ट होगा कि यदि ई वी हो सकता है, रेडियस जो हो जाए वो क्या हो जाए आर जो हो जाए वो बहुत ही बड़ा हो जाए, क्या हो जाए आर जो हो जाए, हम ये भी मान सकते हैं कि इफ इफ आर इज मच मच ग्रेटर देन क्या हो जाए एक्स, ठीक है, देन क्या होगा देखो, देन ई पी, देखो ई पी इक्वल टू क्या होगा सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो इंटू क्या होगा वन माइनस एक्स बाई क्या हो जाएगा आर इंटू वन प्लस एक्स बाई आर द होल स्क्वायर के पावर वन बाई टू, ठीक है। और यहाँ आप देखोगे तो ई पी इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन क्या हो जाएगा टू एप्सिलॉन, बेटा ई वी वाला टर्म क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा और ई वी वाला टर्म क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। रेडियस आई मीन ये ऐसे ही बोल सकते हो, कभी कभी हम ऐसे भी मान लें, ठीक है, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं यदि आपको थोड़ा डाउट हो। अगेन देखना ऑप्शन के अकॉर्डिंगली हम सोचते हैं, ठीक है, ये ध्यान देना है कि जो भी प्रॉब्लम दिया रहता है कभी कभी हम ऑप्शन के अनुसार सोचते हैं प्रॉब्लम को। देखो यहाँ हम लिख सकते हैं कि ई पी इज इक्वल टू क्या होगा सिग्मा अपॉन क्या हो जाएगा टू एप्सिलॉन जीरो इंटू वन माइनस एक्स अपॉन क्या हो जाएगा आर, ऐसे हो जाएगा। और इसको भी हम नियरली क्या कर सकते हैं जीरो लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि ई पी इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन क्या हो जाएगा टू एप्सिलॉन जीरो, ठीक है। तो यहाँ देखना इस केस में क्या होता है, यदि क्या होगा कि रेडियस ऑफ द डिस्क नियरली क्या हो जाए इन्फिनिटी हो जाए आई मीन बहुत ही लार्ज हो जाए, किसके रिस्पेक्ट में एक्स के रिस्पेक्ट में। एक्स क्या है, एक्स इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द डिस्क फ्रॉम इट्स सेंटर। तो उस सिचुएशन में क्या होता है डिस्क जो होता है वो इनफाइनाइटली लार्ज नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। क्या होता है इनफाइनाइटली लार्ज नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट, शीट की तरह आई मीन ये बोर्ड जो है ये बहुत ही लार्ज हो जाए। तो शीट जो होगा वो दो तरह का होगा कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। तो नॉन कंडक्टिंग शीट के द्वारा जो फार्मूला होगा वो क्या होगा सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो और देखो ये क्या होगा कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इन दिस केस ठीक है डिस्क बिकम इनफाइनाइटली लार्ज नॉन कंडक्टिंग प्लेन चार्ज शीट,
ठीक है, समझ में आया। तो नॉन कंडक्टिंग, जब भी तुमसे ये भी फार्मूला है, इसको तुमको याद रखना है, बाद में हम गॉस लॉ से भी इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, यहाँ क्या होगा, आपसे ये पूछे कोई, देखो ये कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग सीट है, इनफाइनाइटली लार्ज, ये भी फॉर्मूला तुमको याद रखना है। ठीक है, और यहाँ से ऐसे सोचो बेटा, ये क्या है, देखो ध्यान से, ये बोर्ड जो है नॉन कंडक्टिंग सीट है, ठीक है, और इसके बोर्ड के सरफेस से एक्स डिस्टेंस पे या किसी भी डिस्टेंस पे आपको क्या करना है, फील्ड निकालना है, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। तो उसके लिए नॉन कंडक्टिंग सीट होता है और लार्ज सीट हो तो सिग्मा अपॉन क्या होगा, 2 ε₀ होगा, वही मैंने ये लिखा है। चलो इधर मैं हेडिंग देता हूँ और उसको हम अलग लिख लेते हैं। अब लिख लेना यहाँ तुम लोग, देखो ये क्या हुआ, नॉन कंडक्टिंग लार्ज प्लेन चार्ज शीट के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यही होता है। अगला जो हेडिंग होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग प्लेन चार्ज शीट, ठीक है, समझ में आया। ये बोर्ड को तुम मान लो, ये वॉल जो है वो क्या है, शीट है, शीट का मतलब क्या हुआ, पेपर समझ रहे हो ना तुम लोग, अरे नोटबुक में जो पेपर होता है उसको शीट की तरह कंसीडर कर सकते हो, सोच सकते हो। तो शीट के परपेंडिकुलर, मान लो कि मेरा पाम जो है वो क्या है, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग सीट है, तो इसके सरफेस से किसी भी डिस्टेंस पे आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होगा, तो सिग्मा अपॉन क्या होगा, 2 ε₀ होगा। ये आगे अपने को पढ़ना है, गॉस लॉ से भी हम इसको प्रूव करते हैं, ठीक है। तो ये तुमको क्या करना है, याद कर जाना है, समझ में आया। यही क्या है, नॉन कंडक्टिंग सीट। और कहीं भी इसे कहीं भी किसी भी पॉइंट पी पे फील्ड लिखना है, किसी भी पॉइंट पी पे फील्ड लिखना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होगा, यदि पॉजिटिव होगा चार्ज तो क्या होगा, अवे होगा, और नेगेटिव होगा तो क्या होगा, टूवर्ड्स होगा। तो मैं यहाँ ई पी लिख देता हूँ, द वैल्यू ऑफ ई पी इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 ε₀ एन कैप। एन कैप का मतलब समझ में आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द क्या होगा, सरफेस, ठीक है, क्या होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर, नॉन कंडक्टिंग। तो नियर पॉइंट के लिए क्या होता है, नॉन कंडक्टिंग शीट के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, सिग्मा अपॉन 2 ε₀ होता है, और कांस्टेंट होता है, यूनिफॉर्म होता है, क्या होता है, यूनिफॉर्म होगा, समझ में आया ना, क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, ठीक है, क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। क्या होगा बेटा, यूनिफॉर्म होगा। तो यहाँ लिख लेना है नोट में, क्या है नोट में, कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग प्लेन चार्ज सीट इज ऑलवेज, क्या होगा, ऑलवेज यूनिफॉर्म एंड नॉर्मल टू इट्स सरफेस। ठीक है, समझ में आया। और कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 ε₀। सिग्मा क्या है बेटा, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और चार्ज जो है वो क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है।
अब देखो यहाँ देखना, ये एक क्वेश्चन मैं देता हूँ एग्जाम्पल, इसको समझना अच्छा क्वेश्चन है। ये नॉन कंडक्टिंग शीट है, जब भी तुमको नॉन कंडक्टिंग शीट दिखे तो फील्ड का फॉर्मूला याद रखना है, सिग्मा अपॉन क्या होगा, टू एप्सिलॉन जीरो, क्या होगा सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो, और सरफेस पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और यदि चार्ज पॉजिटिव होगा तो सरफेस से अवे, चार्ज निगेटिव होगा तो क्या होगा, टूवर्ड द सरफेस। यहाँ देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एक कंडक्टिंग शीट है ऐसे मान लो, ठीक है, ये कैसा है नॉन कंडक्टिंग अभी हमने नहीं पढ़ा, नॉन कंडक्टिंग, यहाँ इसके इस एंड से एक चार्ज पार्टिकल को क्या किया गया है, थ्रेड के थ्रू फिक्स किया गया है, और उस चार्ज पार्टिकल का क्या है, समझ में आया ना, ये फिक्स किया गया है। एक पार्टिकल है जिसका मास क्या है, m है, और उस पर चार्ज क्या है, प्लस q है, क्या दिया हुआ है, प्लस q चार्ज फिक्स कर दिया गया है, समझ में आया। देखो इसके द्वारा ऑफ कोर्स क्या होगा, ये प्लस है, इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना दिया हुआ है, सिग्मा दिया हुआ है, प्लस है, तो इस पर क्या होगा, ये अच्छा नॉन कंडक्टिंग जो सीट होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। तो जब कोई भी चार्ज को आप उसकी फील्ड में लाओगे तो क्या करेगा, फोर्स एग्जर्ट करेगा, क्या करेगा, फोर्स एग्जर्ट करेगा। तो ऑफ कोर्स क्या होगा, यदि इस पर चार्ज नहीं होता तो ये थ्रेड जो होता वो कैसे होता बेटा, ऐसे ही होता, ऐसे होता ना, अरे ऐसे ही होता ना यार, चार्ज ही नहीं है तो फोर्स नहीं लगेगा, थ्रेड ऐसे रहेगा। लेकिन यदि आप इस पर पॉजिटिव चार्ज दे देंगे तो क्या होगा, ये क्या करेगा, इस पर फोर्स एग्जर्ट करेगा, फोर्स एग्जर्ट करेगा, तो इस पर फोर्स लगेगा, फोर्स क्या लगेगा बेटा, एफ सी कितना होगा, क्यू इंटू ई, ठीक है, और इस पर एक फोर्स क्या लगेगा, एम जी लगेगा, सही है, दूसरा फोर्स क्या लगेगा, टेंशन लगेगा, समझ में आया। तो ये क्या होगा, आप देखो ये मूव करता जाएगा करता जाएगी, ऐसा सिचुएशन आएगा जब ये ऑब्जेक्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। इक्विलिब्रियम में का मतलब क्या हुआ कि जब इन सब का सम क्या हो जाएगा, नेट फोर्स ऑन एम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है, ये समझ में आया। ये नॉन कंडक्टिंग सीट है, इसके वन एंड से क्या है, एक चार्ज पार्टिकल को थ्रेड के थ्रू हमने क्या किया, फिक्स कर दिया गया। तो आपको ये बताना है, दो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि फाइंड थीटा कॉरेस्पॉन्डिंग टू इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो जनरली मैक्सिमम वैल्यू अब क्या होगा, मैक्सिमम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा कॉरेस्पॉन्डिंग टू इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज, समझ में आया, ठीक है। अब देखो ये क्या है, दोनों में क्या है, दोनों, ये तो आसान है यार, ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन तो आसान है, तुमको क्या करना है, फोर्स को बैलेंस कर देना है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चंस को हम आसानी से समझ सकते हैं, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, थीटा ये क्या हो जाएगा, इधर टी कॉस थीटा और इधर क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा, ठीक है। तो पहले क्वेश्चंस को हम आसानी से समझ सकते हैं, सॉल्यूशन में फर्स्ट ए में लिखेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम हमने ड्रॉ कर दिया, तो फ्री बॉडी डायग्राम में देखो इधर टी है, ठीक है, इधर टी कॉस थीटा, इधर नीचे क्या होगा, एम जी लगेगा, इधर जो लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बेटा, अभी हमने पढ़ा था ई इक्वल टू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो, यही पढ़ा था ना, देखो इधर लिखा हुआ,
तो इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होगा फील्ड इनटू चार्ज? तो सिग्मा इप्सिलन सिग्मा इनटू क्यू अपॉन टू इप्सिलन जीरो, और इधर टेंशन का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, टी साइन थीटा, ये एंगल थीटा है। अब याद करना कि इक्विलिब्रियम में है तो हम क्या लिख सकते हैं, टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी, और टी साइन थीटा इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, क्यू सिग्मा अपॉन टू इप्सिलॉन जीरो। जब आप टैन थीटा लिखोगे तो टैन थीटा इक्वल टू क्यू सिग्मा अपॉन टू इप्सिलॉन जीरो एम जी आएगा। ठीक है, समझ में आया? अब यहाँ से तुम थीटा आसानी से लिख सकते हो। देखो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, टैन इनवर्स ऑफ क्यू सिग्मा अपॉन क्या हो जाएगा, टू इप्सिलॉन जीरो एम जी। ठीक है, तो ये फर्स्ट का आंसर आ गया। केवल तुमको क्या करना है, याद रखना है कि नॉन कंडक्टिंग जो शीट होगा उसके द्वारा जो फील्ड होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा अपॉन टू इप्सिलॉन जीरो सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय टू इप्सिलॉन। फर्स्ट पार्ट को आसान, सेकंड पार्ट के लिए क्या करना है, मैक्सिमम पूछा है। अब देखो इसमें समझना है कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया कि जहां नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो हो गया। तो बेटा अभी यहां क्या था, रेस्ट में था, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही इस पे फोर्स लगेगा इधर, अभी तो स्ट्रिंग लूज रहेगा, ठीक है, थोड़ा जैसे ही, या स्ट्रिंग लूज भी नहीं रहेगा, स्ट्रिंग टाइट रहेगा, लेकिन टेंशन क्या होगा, बढ़ेगा बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जैसे ही ये पार्टिकल जो है शीट से अभी मूव करना शुरू करेगा, इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, क्योंकि ये फोर्स डोमिनेट कर रहा है, तो वेलोसिटी क्या होगा, बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। जैसे ही नेट फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, उसके बाद पार्टिकल जो होगा वो कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या होगा, मूव करने लगेगा। समझ में आया? लेकिन उसके बाद क्या होगा, ये वाला फोर्स जो है ये तो फिक्स हो जाएगा, और बाद में क्या होगा कि थोड़े टाइम के बाद जा करके क्या होगा, पार्टिकल उसके बाद ये डोमिनेट करेगा, और बाद में क्या होगा कि पार्टिकल जो होगा वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे उसका स्पीड क्या हो जाएगा, स्लो होगा स्लो होगा स्लो होगा, और फिर जा करके क्या होगा, पार्टिकल रुक जाएगा। समझ में आया क्या होगा, पार्टिकल जो होगा बाद में क्या होगा, रुक जाएगा। ठीक है, समझ में आया? बाद में क्या होगा, पार्टिकल जो होगा वो रुक जाएगा। तो जब रुक जाएगा उसके कॉरेस्पोंडेंस क्या हो जाएगा, इसका जो क्या होगा, इसका जो जो एंगल जो होगा थीटा, वो हो क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा। तो अब हम यहाँ से यूज कर सकते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या यूज कर सकते हैं बेटा, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम हम यूज कर। नाउ क्या होगा, नाउ क्या लिखेंगे, अब यहाँ मैं लिख रहा हूँ बी कैलकुलेशन। याद रखना दोनों में डिफरेंस क्या है, कैलकुलेशन ऑफ थीटा मैक्स, ठीक है, फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम। डब्ल्यू टी इज इक्वल टू क्या होगा, क्या होगा बता सकते हो, डब्ल्यू टी इज इक्वल टू क्या होगा, बोलो, डब्ल्यू टी इक्वल टू डेल्टा के, और डेल्टा के ही देखो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल दोनों जीरो हो जाएगा, तो ये वाला टर्म जीरो। यहाँ क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय द ग्रेविटी। देखो टेंशन कोई काम नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि ये सर्कुलर आर्क पे मूव कर जाएगा बेटा। समझ में आया? यदि मैं देखो इनिशियल सिचुएशन क्या था इसका, ये था थ्रेड यहाँ था, जब चार्ज रखे थे मूव किया तो कुछ आर्क में मूव कर जाएगा, तो टेंशन जो होगा सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, टेंशन ऑलवेज क्या होगा, आर्क पे परपेंडिकुलर होगा, इसलिए वर्क डन बाय द टेंशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। समझ में आया ना ये बात, ऐसे देखो ये ऐसे मूव कर जाएगा, ऐसे अभी थ्रेड ऐसे था यहाँ, अभी किसी टाइम के बाद पार्टिकल कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, तो ये ऐसे क्या है, ऐसे मूव कर रहा है ऐसे। समझ में आया? और टेंशन तो ऑलवेज क्या होगा, पाथ पे डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, टेंशन इधर है 90 डिग्री एंगल होगा, इसलिए वर्क डन बाय द टेंशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और वर्क डन बाय द ग्रेविटी, आपसे वर्क डन बाय द क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कोई पूछे तो, यदि मैं इसका लेंथ एल मान लूं तो ये कितना हो जाएगा बेटा, वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन इक्वल टू क्या होता है,
फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो हम लिख सकते हैं वर्क डन बाय द ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय द क्या होगा इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो. अब वर्क डन बाय द ग्रेविटी कितना होगा ये भी लिख सकते हो. वर्क डन बाय द क्या होगा वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिख सकते हैं. तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा एम. ठीक है एम जी. देखो ये लेंथ एल है समझ में आया क्या है और ये क्या हो जाएगा अभी एल कॉस थीटा हो जाएगा. तो एल इंटू क्या हो जाएगा और ग्रेविटी नीचे लग रहा है ऑब्जेक्ट ऊपर मूव कर रहा है तो क्या लिखें माइनस एम जी एल इंटू वन माइनस क्या हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू सॉरी प्लस क्यू ई इंटू एल साइन थीटा इक्वल टू जी. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. देखो ये वाला तो तुम आसानी से कर सकते हो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है. तो यहाँ से तुम लिख सकते हो माइनस एम जी इंटू वन माइनस कॉस थीटा प्लस क्यू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो. इसको और भी लिख सकते हैं देखो क्यू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू. ठीक है समझ में आया. यही से तुमको ये मालूम चल जाएगा. और मैंने एक ट्रिक भी बताया था कि मैक्सिमम एंगल जो होता है वो क्या होता है टू टाइम्स अब क्या होता है एंगल सबटेंडेड बाय द थ्रेड कॉरस्पॉन्डिंग टू इक्विलिब्रियम पोजीशन मैंने ये बताया था. ठीक है तो यहाँ से देखो हम लिख सकते हैं टू सिग्मा क्यू साइन थीटा बाई टू इंटू क्या लिखेंगे कॉस ऑफ थीटा बाई टू डिवाइडेड बाई टू एप्सिलॉन जीरो इज इक्वल टू एम जी. ठीक है टू साइन स्क्वायर ऑफ थीटा बाई टू टू से टू कैंसिल हो जाएगा साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ से तुम देख सकते हो कि क्या होगा यहाँ से देखो सिग्मा क्यू अपॉन टू इप्सिलन जीरो ठीक है इज इक्वल टू टेन ऑफ थीटा बाई टू. ठीक है तो यहाँ लिख सकते हैं थीटा मैक्स ये लिखेंगे. ठीक है तो यहाँ से हो जाएगा थीटा मैक्स लिख देता हूँ यहाँ मैक्स लिख लेना बेटा थीटा मैक्स लिख लेना. ठीक है थीटा मैक्स लिख लेना थीटा मैक्स इज बाई टू इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ ठीक है सिग्मा क्यू अपॉन टू इप्सिलॉन जीरो एम जी. ठीक है तो देखो यहाँ से थीटा मैक्स इज इक्वल टू क्या होगा टू टाइम टेन इनवर्स ऑफ सिग्मा क्यू अपॉन टू इप्सिलॉन जीरो एम जी. ठीक है तो याद रखना है थीटा मैक्स जो होगा वो क्या होगा टू इंटू थीटा इक्विलिब्रियम आ गया. तो यदि इक्विलिब्रियम के कोरस्पॉन्ड ये तुमको रिजल्ट याद है ये ट्रिक भी हो गया ये बताया था वर्क पावर एनर्जी पढ़ा रहा था तो वहाँ ये चीज़ मैंने प्रूव करके बताया था. ठीक है तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था. इसको एक बार जब भी मैक्सिमम निकालना है तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो फाइनल जीरो वर्क एनर्जी थीरम यूज कर दोगे तो आ जाएगा. ठीक है तो नॉन कंडक्टिंग शीट के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा सिग्मा अपॉन टू इप्सिलॉन जीरो. ठीक है अगला जो पॉइंट है वो इसको भी हम देख लेते हैं. इसका प्रूफ जो है जब गॉस लॉ पढ़ेंगे तो वहाँ और दूसरे मेथड से भी इसको हम प्रूव कर सकते थे लेकिन वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है और गॉस लॉ से ज़्यादा आसान होता है तो इसलिए गॉस लॉ अभी पढ़ेंगे हम लोग आई थिंक मंडे से तो वहाँ तुमको ये चीज़ समझ में आएगा. ठीक है अभी हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग लार्ज कंडक्टिंग ऐसे लिखेंगे लार्ज कंडक्टिंग चार्ज प्लेन शीट. ठीक है रिजल्ट याद रखना है तुमको कि कोई भी कंडक्टिंग प्लेट दिया हुआ है इनफाइनाइटली लार्ज है
तो उसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो। कंडक्टर के अंदर मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। क्यों होता है आगे हम देखेंगे, प्रूव करेंगे, ठीक है। तो अभी जो मैंने ये लिखा था कि शीट क्या है बेटा, कंडक्टिंग है, तो यहाँ मैं मान लेता हूँ ये जो शीट दी, सॉरी नॉन कंडक्टिंग है, अभी हमने जो देखा था, अभी मैं ये मान लेता हूँ कि ये क्या है, कंडक्टिंग शीट है। प्रूफ मैं बताऊँगा बाद में, ठीक है। इस पर चार्ज जो है वो क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। और सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा है। और यहाँ कोई पॉइंट पी है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है पी है, तो यहाँ भी याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, ऑलवेज क्या होगा, एन कैप, आई मीन डायरेक्शन जो होगा इधर होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन जीरो इंटू क्या होगा, एन कैप। आगे मैं प्रूव करूँगा, ये याद रखना है, देखो ध्यान से, कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग शीट इज ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्या होगा, नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट, ठीक है। यदि नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइटली लॉन्ग प्लेट है, ऐसे ही बोल सकते हो, इसे बोर्ड की बात करो, बोर्ड बहुत बड़ा हो जाए तो उसके सरफेस पे किसी भी पॉइंट पे आप सरफेस से अवे किसी भी पॉइंट पे फील्ड निकालना है तो क्या होगा, सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन जीरो होगा। कब, जब प्लेट क्या होना चाहिए, कंडक्टिंग होना चाहिए। नॉन कंडक्टिंग के लिए क्या था, सिग्मा अपॉन टू इप्सिलॉन जीरो, ठीक है। तो ये तुमको, और देखो ये क्या है, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट हो गया। तो इस केस में हम थ्री काइनेमेटिक्स इक्वेशन क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, सिग्मा अपॉन टू इप्सिलॉन जीरो। फील्ड जो होगा वो क्या होगा, ऑलवेज एन क्या है, एन कैप क्या है, एन कैप इज यूनिट वेक्टर, वेक्टर परपेंडिकुलर नॉर्मल टू द क्या होगा, टू द सरफेस, सरफेस ऑफ द शीट। समझ में आया, क्या होगा, सरफेस ऑफ द क्या हो जाएगा, शीट। तो यहाँ आप पढ़ भी सकते हो, देखो एक न्यूमेरिकल भी बता देता हूँ। तो एक नोट में और भी पॉइंट लेंगे, यदि क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, सिंपल शीट दिया हुआ है, तो ऑलवेज आपको क्या कंसीडर करना रहता है, नॉन कंडक्टिंग शीट, ठीक है। तो नोट में पॉइंट लिख लेना, इफ इट इज नॉट गिवन, इट इज नॉट गिवन दैट द सीट इज वेदर सीट इज कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग, ये दिया हुआ नहीं है, इट इज नॉट गिवन दैट दिस वेदर द सीट इज कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग, देन ऑलवेज कंसीडर नॉन कंडक्टिंग प्लेन चार्ज शीट, ठीक है। ये ध्यान है, अब थोड़ा हम, अब देखो हर जगह मैं ऐसे डायग्राम नहीं ड्रॉ करूँगा, सिंपल एक लाइन की तरह ड्रॉ कर दूँ, जिससे देखो एक एग्जांपल देख लो कि ऐसे भी तुम सोच सकते हो, ठीक है। एक कंडक्टिंग सीट क्या है, यहाँ है, ये क्या है, ठीक है, समझ में आया। अब आपको क्या करना है, तीन रीजन, देखो इस पर सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है, सिग्मा वन है, और इस पर क्या है, सिग्मा टू, ये क्या है, कंडक्टिंग सीट। नॉन कंडक्टिंग होगा तो बेटा हम कैसे, केवल फॉर्मूला में क्या चेंजेज हो गए, टू का, ठीक है। अब देखो एक पॉइंट पी यहाँ है, यहाँ क्या है, क्यू पॉइंट है, और यहाँ क्या है, आर पॉइंट है, समझ में आया बात, यहाँ
क्या है, पी पॉइंट, क्यू पॉइंट और क्या है, आर पॉइंट है, ठीक है। यहाँ तुमको क्या करना है, क्या करना है, फाइंड, समझ में आया, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे हम, लेकिन अभी भी तुम इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। तो फाइंड पॉइंट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी क्यू एंड आर एज शोन इन द फिगर। समझ में आया, पी क्यू आर पे क्या याद रखना है कि फील्ड जो होगा ऑलवेज क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ऐसे रखा हुआ है, ये ऐसे समझना, ऐसे रखा हुआ है, समझ में आया ना, ऐसे कैसे रखा हुआ है बेटा, ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। ऐसे दो सीट रखा हुआ है, तो एक तीन रीजन है, एक दोनों सीट के क्या है, बाहर है, और क्या होगा, एक रीजन जो होगा वो दोनों सीट के क्या होगा, अंदर होगा। आई मीन राइट वाले सीट से राइट, लेफ्ट वाले सीट से लेफ्ट, और इन बिटवीन क्या है। तो ये कुछ नहीं करना है, केवल याद रखना है कि फील्ड का जो वैल्यू होगा वो कंडक्टिंग सीट के द्वारा क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन जीरो, डायरेक्शन चेक कर लेना है। नॉन कंडक्टिंग होगा तो क्या होगा, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो, डायरेक्शन केवल क्या करना है, चेक करना है, और वेक्टर की तरह क्या करना है, ऐड कर देना है। आई मीन इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट पी एंड क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस शीट प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्या होगा, दिस शीट, ठीक है। तो जब भी कभी आपसे कोई पूछे कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करना है तो वो क्या करना चाहिए, तो बेटर क्या होता है बेटा कि आइदर आप कंडक्टिंग सीट ले लो, नॉन कंडक्टिंग सीट ले लो, तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है नियर टू द सरफेस। सरफेस के नज़दीक ऐसे नहीं है कि हम बहुत दूर जाते हैं तो क्या होगा, सरफेस से दूर चले जाओगे तो फिर इनफाइनेटली लार्ज वाला जो कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए नियर टू द सरफेस के लिए ही रिजल्ट क्या होता है, वैलिड होता है। और यूनिफॉर्म देख रहे हो ना, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन जीरो, आई मीन क्या होगा, कॉन्स्टेंट, वो कॉन्स्टेंट ही आएगा ना यार। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करने के लिए नियर टू द सरफेस अब द क्या होगा, चार्ज ऑब्जेक्ट, जनरली हम क्या करते हैं, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग सीट भी यूज करेंगे, और आगे पढ़ेंगे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज ऑल्सो यूज टू क्रिएट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये रहा कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग का, नॉन कंडक्टिंग चार्ज सीट के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा। अब हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अगला जो टाइप है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज सॉलिड स्फीयर। और सॉलिड स्फीयर यहाँ क्या होगा, कंडक्टिंग भी होगा और क्या होगा, नॉन कंडक्टिंग होगा, ठीक है, समझ में आया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड, ठीक है, चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर, ठीक है। अब इसमें दो पार्ट्स हम पढ़ेंगे, पहला जो टाइप है, टाइप वन, कि व्हेन सॉलिड स्फीयर, आई मीन सॉलिड चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर इज नॉन कंडक्टिंग, याद रखना, नॉन कंडक्टिंग में क्या होगा कि चार्ज जो होगा वो क्या होगा, थ्रू आउट द वॉल्यूम क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, नॉन यूनिफॉर्मली, आई मीन थ्रू आउट द वॉल्यूम होगा। जैसे मैंने बताया था प्रॉपर्टी, जब चार्ज में मैंने पढ़ाया था कि जब भी आप किसी भी कंडक्टर के सर्फेस पे, सॉरी कंडक्टर को चार्ज करते हो, तो जितने भी चार्ज होता है उस टोटल चार्ज कंडक्टर के सर्फेस पे क्या होता है, रिसाइड हो जाता है। ये क्यों होता है आगे हम पढ़ेंगे, जब गॉस लॉ पढ़ाऊंगा तो मैं वहाँ डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूँगा कि ऐसा होता क्यों है। तो नॉन कंडक्टिंग का मतलब क्या होगा कि सॉलिड स्फीयर के अंदर जो चार्ज होगा थ्रू आउट वॉल्यूम क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड। यदि कंडक्टिंग आप कंसीडर कर लोगे तो चार्ज होगा वो ऑलवेज क्या होगा, सरफेस पे रिसाइड करेगा, ठीक है। तो
पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, ठीक है, और फिर उसके बाद देखेंगे कि यदि कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर होगा या स्फेरिकल शेल होगा तो उसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चेंज होगा। ग्रेविटेशन में मैंने पढ़ाया था आप लोगों को कि यदि क्या होगा, सॉलिड स्फीयर है जिसके अंदर मास जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम ग्रेविटेशनल फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमने दो पॉइंट कंसिडर किया था कि एनी पॉइंट इनसाइड द सॉलिड स्फीयर एंड एनी पॉइंट आउटसाइड द सॉलिड स्फीयर, क्योंकि सॉलिड स्फीयर का जो बिहेवियर होता है अंदर के लिए कुछ अलग तरह का बिहेव करता है और बाहर के किसी भी पॉइंट के लिए क्या होता है, अलग तरह का बिहेव करता है। बाहर के किसी पॉइंट के लिए सॉलिड स्फीयर या स्फेरिकल ऑब्जेक्ट विल बिहेव लाइक ए पॉइंट ऑब्जेक्ट, जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अंदर के लिए इसका कुछ अलग क्या होता है, बिहेवियर होता है, जो सेल्स थ्योरम मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, ग्रेविटेशन चैप्टर में मैंने सेल्स थ्योरम पढ़ाया था, तो वही कॉन्सेप्ट हम क्या करेंगे, यहाँ यूज करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या है कि यही सॉलिड स्फीयर है और सॉलिड स्फीयर है तो इसके अंदर चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, इसका रेडियस क्या है बेटा, आर है, समझ में आया। और चार्ज, चलो चार्ज मान लेते हैं क्यू, तो वॉल्यूम चार्ज हम डिफाइन कर लेते हैं कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितना हो, तो रो भी कितना होता है, क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यू होता है। ठीक है, याद रखना है कि रो भी इक्वल टू क्या होगा, क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यू। ठीक है, समझ में आया ना। अब हम मानेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड दो केस में कैलकुलेट करेंगे, ये क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड द क्या होगा, स्फीयर। तो देखो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एनी पॉइंट इनसाइड द स्फीयर, ठीक है, अंदर के किसी भी पॉइंट पे मुझे क्या करना है, फील्ड निकालना है। तो देखो यहां ध्यान से, अंदर के किसी भी पॉइंट पे मुझे फील्ड निकालना, यही है स्मॉल आर डिस्टेंस, दिस इज सेंटर। अरे यार, ये क्या है, दिस इज सेंटर, तो इस सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे क्या करना है, फील्ड मुझे निकालना है। ठीक है, ये चार्ज जो है वो क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, नॉन यूनिफॉर्मली भी डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है, समझ में आया। यही कोई पॉइंट पी है जहां मुझे क्या करना है, तो याद करो ग्रेविटेशन के केस में मैंने क्या बताया था, देखो यहाँ से तो कुछ नहीं, यहाँ जस्ट आगे बहुत लॉ पढ़ाऊंगा तो प्रूफ भी करेंगे हम, वहाँ केवल याद रखना है कि देखो यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जो कंट्रीब्यूशन होगा इस स्फीयर के बाहर जो चार्ज है उनके द्वारा कंट्रीब्यूशन क्या होता है, कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, समझ में आया ना, क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट, देखो पॉइंट पी एट ए रेडियल डिस्टेंस आर इक्वल टू क्या होगा, के क्यू डैश अपॉन क्या होगा, स्मॉल आर स्क्वायर, ये याद रखना है। ठीक है, क्यू डैश क्या है, चार्ज, चार्ज चार्ज इनक्लोज्ड बाय द स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल r, ठीक है, क्या है, चार्ज इनक्लोज्ड बाय द रेडियस स्मॉल r, ठीक है, क्या होगा, चार्ज इनक्लोज्ड बाय द रेडियस, ये कल्पेश, आशुतोष सर, आशुतोष सर, मैं लेक्चर भूल गया हूँ, लेक्चर बोल गया, रोटरी एकेडमी का होगा, डाल दो ये वन बैच, हाँ मैं भूल गया हूँ अभी, ठीक है, अरे लेक्चर भूल गया डालना, ठीक है, बस यही एक ट्रिक,
बेटा ये आएगा कैसे? जब अभी गॉस लॉ हम पढ़ेंगे तो वहां मैं इसको प्रूफ के साथ बताऊंगा कि क्यूडस मैं क्यों लिखता हूं। तो क्या करना है, ये याद रखना है, क्या होगा कि बस एक ट्रिक के लिए याद रखो कि क्यूडस अपॉन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, कौन सा हम कंडक्ट, नॉन कंडक्टिंग, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर, यदि इनसाइड किसी पॉइंट पे आपको कैलकुलेट करना है तो क्या करना है, जिस रेडियस पे हम क्या कर रहे हैं फील्ड लिख रहे हैं, उस रेडियस के अंदर जितना चार्ज है के क्यू डैट के क्यू अपॉन क्या हो जाएगा आर, वेयर क्यू डैश क्या है, चार्ज इनक्लोज्ड बाय द स्फीयर हैविंग रेडियस स्मॉल आर, बस हो गया, दूसरा कुछ नहीं। यही कॉन्सेप्ट मैंने ग्रेविटेशन में भी पढ़ाया था, याद रखना, वहाँ क्यू डैश के जगह क्या लिखा था, एम डैश लिखा था, के जगह क्या लिखा था, जी लिखा था, ठीक है। वेयर क्यू डैश, क्यू डैश तुम कैलकुलेट कर सकते हो, क्यू डैश इज इक्वल टू क्या होगा, रो इंटू क्या लिखोगे, इंटू 4/3 पाई आर क्यूब लिखोगे बेटा, तो क्यू डैश इज इक्वल टू क्या लिखो, क्यू अपॉन 4/3 पाई, ठीक है, आर क्यूब इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, ये कैंसिल हो गया, तो देखो क्यू डैश इक्वल टू क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू क्या होगा, आर क्यूब, यही आएगा ना, समझ में आया ना, क्यू डैश का वैल्यू रख दो, ठीक है। हमने क्या किया, इसको ऐसे थोड़ा सा आपको समझना है, तो हमने क्या किया, देखो ध्यान से, इस स्मॉल रेडियस के आउटसाइड जो चार्ज है उसको कंसीडर ही नहीं किया, उसको छोड़ दिया। अब यही मुझे क्या करना है, फील्ड लिखना है, पाँच मिनट का है, पाँच नंबर का ना लेक्चर, हाँ, अभी ठीक है। तो इस रेडियस, ये वाला बार है, अब यहाँ मैंने क्या माना, क्यूडेस, और फिर मैंने बताया था, अब आपको सरफेस पे क्यूडेस के सरफेस पे लिखना है, आइवनिस स्फीयर के, तो हम क्या करेंगे, सिंपल ही आता कैसे, ये भी आप लॉजिक से सोच सकते हो। अब हमने सेल्फ थ्योरम क्या पढ़ा था, कि सॉलिड स्फीयर बिहेव लाइक ए पॉइंट मास या बिहेव लाइक ए पार्टिकल फॉर एनी पॉइंट आइदर लाई ऑन इट्स सरफेस और आउटसाइड ऑफ सरफेस। तो हमने क्या किया, क्योंकि ये वाला जो मास है, ये वाला जो चार्ज है, इधर जो चार्ज है, इनके द्वारा नेट फील्ड यहाँ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, समझ में आया ना। इसका मतलब क्या है कि इस स्फीयर के अंदर जो चार्ज है उसी के द्वारा फील्ड, इस पॉइंट पे जो फील्ड होगा उसमें कंट्रीब्यूशन होगा। तो हमने ये वाले स्फीयर को हटा दिया, उसके बाद यहाँ लिखा, उसके बाद देखो ये सेंटर, अब सी पे हमने क्या किया, क्यूडेस चार्ज रख दिया, और ये डिस्टेंस तो आ रहे हैं यार पी पॉइंट पे, अब आसानी से पॉइंट वाला फार्मूला हमने यूज कर दिया। अब यहाँ से देखो कि तुम वैल्यू रखोगे तो ई पी आर इज इक्वल टू क्या होगा, के क्यू अपॉन देखो क्या होगा, आर क्यूब इंटू क्या होगा आर, समझ में आया। तो सॉलिड स्फीयर के सेंटर पे देखो, इनसाइड द सॉलिड स्फीयर, इनसाइड नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरी लीनियरली फ्रॉम द सेंटर। कई बार ग्राफ पूछा गया है बेटा, ग्रेविटेशन में क्या था याद आया, जी एम अपॉन आर क्यूब इंटू स्मॉल आर, ठीक है। तो इनसाइड के लिए कब, ये जब आर क्या हो जाएगा, लेस देन क्या होगा आर, समझ में आया, तो इस तरह सोचेंगे। अब दूसरा क्या होगा कि व्हेन, के सेकंड देख लो, व्हेन या ऐसे लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, ठीक है, आउटसाइड ऑफ स्फीयर, ये तो जानते ही हो तुम लोग, सेल्फ थ्योरम के क्या लिखेंगे, एक फॉर क्या होगा, फॉर एनी पॉइंट, एनी पॉइंट आइदर, ठीक है, ऑन द सरफेस और आउटसाइड ऑफ सरफेस, ठीक है, स्फीयर वी हैव लाइक पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट इट्स सेंटर,
ठीक है, बस ये एक्सप्लेनेशन है, कॉन्सेप्ट है, यही अपने को क्या करना है, यूज करना है। ये ग्रेविटेशन में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, और ये सब गॉस लॉ से प्रूफ हो जाएगा बेटा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अब मान लो कि क्या है, ये स्फीयर है, चार्ज जो है क्या है, यूनिफॉर्मली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। अभी मैंने लिखा क्यू 4πr³ अपॉन क्या है 3, यहाँ से किसी पॉइंट P पे क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ हमको अभी मैंने बताया था कि एनी पॉइंट आउटसाइड और ऑन द सरफेस क्या होगा, इट विल बिहेव लाइक क्या होगा, पॉइंट मास, ठीक है। तो यहाँ हम चार्ज रख देंगे, ये कितने डिस्टेंस, r डिस्टेंस पे है, तो ये फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, ई पी एज ए आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर हो गया। और फील्ड का जो वैल्यू होगा वो रेडियली इनवर्ड होगा, और रेडियली क्या होगा, आउटवर्ड होगा। रेडियली आउटवर्ड कब होगा, जब पॉजिटिव चार्ज होगा, रेडियली इनवर्ड होगा कब, जब निगेटिव चार्ज होगा, ये याद रखना है, ठीक है। तो इनसाइड देखो लिनियरली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, सरफेस पे मैक्सिमम हो रहा है, और आउटसाइड फील्ड जो है वो क्या है, नॉन लिनियरली डिक्रीज हो गया है, और r इक्वल टू इन्फिनिटी पे फील्ड का वैल्यू क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है, ठीक है। तो याद रखना है। अब देखो इधर मैं रिजल्ट लिखता हूँ, यही रिजल्ट आपको क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ फॉर नॉन, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, स्फीयर देखो ई पी आर इज इक्वल टू क्या होगा, के क्यू अपॉन आर क्यू इंटू आर, जब आर क्या होगा, लेस देन, एकदम रट जाना है बेटा इसको, आर इक्वल टू क्या होगा, के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, जब आर क्या होगा, ग्रेटर देन आर, ठीक है। ये नोट में इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखना है। रेडियली आउटवर्ड कब होगा, ये समझ में आया ना, यहाँ जब चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव होगा तो रेडियली आउटवर्ड, जब चार्ज निगेटिव होगा तो क्या होगा, टूवर्ड्स। केवल एक ही ट्रिक याद रखना है, चार्ज पॉजिटिव अवे फ्रॉम द चार्ज ऑब्जेक्ट, चार्ज निगेटिव टूवर्ड द चार्ज ऑब्जेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, ठीक है। अब यदि आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, देखो तो जब r क्या होगा, यही r है, r इक्वल टू r, तो इधर r हमने लिख दिया, ठीक है, ये सेंटर हो गया बेटा। तो देखो r जो है, स्मॉल r, जब r से छोटा है तो फील्ड का फॉर्मूला जो है यही है ना, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ फील्ड का जो वैल्यू होगा वो क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है ना यार, इधर यहाँ ई पी क्या होगा, मैक्स, और कितना होगा, के क्यू अपॉन क्या होगा, आर स्क्वायर, ठीक है। इधर जो है फील्ड जो है वो क्या है, इज लीनियर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है। उसके बाद यहाँ देखोगे तो फील्ड जो है वो क्या है, देखो जब आर बड़ा, कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, यूज करेंगे स्मॉल आर कैपिटल आर से बड़ा होगा तो ये फार्मूला यूज करेंगे, जब स्मॉल आर कैपिटल आर से छोटा होगा तो हम कौन सा रिजल्ट यूज करेंगे। तो यहाँ देखो ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये कई बार ग्राफ पूछा गया है, ठीक है, समझ में आया, ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसमें जनरली जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, अगेन यहाँ एक दो क्वेश्चंस मैं बोल देता हूँ, होमवर्क ट्राई कर लेना तुम लोग, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, देखो ये क्या है, सॉलिड स्फीयर है, एक टनल, और सॉलिड स्फीयर के अंदर पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। यही सेंटर है, यहाँ से कोई चार्ज पार्टिकल, एक चार्ज पार्टिकल जिस पे चार्ज क्या है, माइनस क्यू है, और उसका मास क्या है, एम है, इसका रेडियस क्या दिया हुआ है, आर,
रिलीज किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ लिख लेना, इन द शोन फिगर ए चार्ज, ए पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m एंड चार्ज माइनस q इज रिलीज्ड इन द टनल इन द होल फ्रॉम द सरफेस ऑफ स्फीयर। प्रूव दैट इट्स मोशन विल बी SHM, ठीक है। ऑल्सो फाइंड इट्स टाइम पीरियड, ठीक है। समझ में आया? ऑलरेडी ग्रेविटेशन मैं बता चुका हूँ, तो आप इसको सॉल्व कर लें। दूसरा एक होमवर्क देता हूँ, कैविटी से रिलेटेड प्रॉब्लम जो ऑलरेडी मैं पढ़ाया हूँ ग्रेविटेशन में, कॉन्सेप्ट वही है। देखो ध्यान से, कि चार्ज ठीक है, ये ऐसे सोच लो, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इसका सेंटर C है और ये क्या है, इसका सेंटर C1 है, ठीक है। इस पे चार्ज जो है क्या है, Q है। तो आपको ये प्रूव करना है, अब क्वेश्चंस क्या है, प्रूव दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इनसाइड कैविटी विल बी यूनिफॉर्म एंड ऑल्सो फाइंड इट्स वैल्यू। ऑलरेडी ग्रेविटेशन में पढ़ाया हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ में आया, कोई चार्ज सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है। क्या है? नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, और आपसे अब क्या किया गया, उसमें r/2 रेडियस का एक स्फीयर को कट करके निकाल दिया गया है, ठीक है। समझ में आया? तो इस कैविटी के अंदर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा कॉन्स्टेंट होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? कॉन्स्टेंट हो जाएगा। समझ में आया ना? क्या होगा? कॉन्स्टेंट हो जाएगा। और यहाँ ये याद रखना है, सोल्यूशन आंसर भी मैं लिख देता हूँ कि आंसर इसका क्या होगा। आपको क्या करना है, टोटल के द्वारा निकाल लेना है, और फिर क्या है, इसके कैविटी के द्वारा निकाल करके और क्या करना है, अलग अलग क्या करना है, ऐड कर देना है। वो मैं बताऊँगा, इसका जो आंसर होगा एट एनी पॉइंट पी, देखो इधर लिख देता हूँ, किसी पॉइंट पी पे ईपी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा रो अपॉन 3 ε₀, ठीक है, C1 ऐसे होगा, ठीक है। यदि पॉसिबल है तो ये सॉल्व कर लेना और आ जाएगा इसका आंसर भी, रट जाना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कैविटी क्या है, यूनिफॉर्म है, तो हम क्या कर सकते हैं, कैविटी के अंदर हम आसानी से 3 kinematics इक्वेशन यूज करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं कुछ भी। जैसे पूछा जाएगा कि एक इलेक्ट्रॉन को हमने क्या किया, यहाँ से रिलीज कर दिया, तो कितने टाइम में वो यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा यार, ये भी पूछा जा सकता है। एक इलेक्ट्रॉन को हमने यहाँ से, या एक पॉजिटिव चार्ज को हमने यहाँ से रिलीज किया, तो कितने टाइम में यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, जब पहुँचेगा तो उसका वेलोसिटी क्या होगा। तो ये सारे पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं,
कि थ्री काइनेमेटिक्स इक्वेशन या वर्क एनर्जी थ्योरम भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन मैं बताता हूँ, इसको सॉल्व कर लेना। ये इसलिए दोनों होमवर्क दिया क्योंकि ऑलरेडी मैं क्लास में ग्रेविटेशन चैप्टर में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। पहले कहीं भी फील्ड लिखना, फील्ड लिखने के बाद हमको क्या करना है, एस एच एम का कॉन्सेप्ट है तो फोर्स लिख लेना है, और फिर आपको मालूम है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म में ला देना है, ठीक है। उसके बाद अगला एक एग्जाम्पल देखो जो मैं अभी बताऊँगा, और देखो ध्यान दिए। ठीक है, यहाँ से तुम बता सकते हो कि दोनों के सेंटर के यहाँ से तो फील्ड कैविटी के अंदर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये रेडियस ए है और आउटर रेडियस क्या हो गया, बी हो गया। यहाँ जो चार्ज है देखो, ठीक है, इस पे मान लो कि ये क्या है, क्यू चार्ज है। अब देखो फाइंड, देखो यहाँ मैं लिख देता हूँ फाइंड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस, डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द फ्रॉम सी, इफ ए में लिखो, इफ R is less than A, B में लिखो R is greater than equal to A, less than B, और C में R is greater than क्या होगा, ठीक है। तीन रीजन है, एक रीजन क्या हो सकता है, ये अंदर हो सकता है, एक रीजन क्या हो सकता है, इन दोनों के बीच, और एक रीजन क्या हो सकता है, आउटसाइड हो सकता है। तो ये क्या स्फीयर है, ठीक है, अब केवल याद रखना है कि इनसाइड स्फीयर के लिए अभी मैंने फार्मूला बताया था, कि क्या बताया था, याद आया, तो इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो मैंने बताया था कि फॉर कॉन्सेप्ट में क्या बताया था अभी, कि फॉर इनसाइड स्फीयर, यही याद रखोगे तो कोई क्या होगा, E इज इक्वल टू क्या होगा, के क्यू डैश अपॉन क्या होगा, आर स्क्वायर, यही बताया था ना, यही कॉन्सेप्ट यूज कर रहा था। और आउटसाइड के लिए क्या यूज करना है यार, के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। अब देखो पहला केस, व्हेन आर इज लेस देन ए, क्या है, कोई भी पॉइंट क्या है, पी है, तो इस पी पॉइंट के को हम पी पॉइंट को कंसीडर करके एक स्फीयर ड्रॉ करें। अब तुम बताओ इस केस में क्यू डैश का वैल्यू क्या है, अरे इसके एक कैविटी के अंदर, दिस इज कैविटी, कैविटी है ना यार, होल है, तो कैविटी के अंदर कोई चार्ज है क्या, यहाँ चार्ज नहीं है ना यार, क्यू डैश क्या हो गया, क्यू डैश क्या हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, Q डैश क्या हो गया, जीरो हो गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसके अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। दूसरा यदि हम पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, दूसरा पॉइंट क्या है, व्हेन व्हेन, दूसरा देखो, व्हेन R इज लेस देन बी ग्रेटर देन क्या हो गया, हमको कोई भी पॉइंट कंसीडर, ये वाला इधर कहीं पॉइंट पे, यही है ना, देखो इधर इस रेडियस पे, यही हुआ ना, ए और बी के बीच, ये बी रेडियस, ये हुआ ए रेडियस, तो यहाँ कहीं भी पी पॉइंट पे फील्ड लिखना है, ये स्मॉल आर डिस्टेंस पे, तो ऑफकोर्स यहाँ क्यू डैश पहले कैलकुलेट करो। फॉर्मूला यही है, किसी भी स्फीयर के अंदर निकालना है तो क्या निकालना है, के क्यू डैश अपॉन आर स्क्वायर, क्यू डैश क्या है, चार्ज, ठीक है, चार्ज इनक्लोज्ड, इनक्लोज्ड बाई स्फीयर, ठीक है, समझ में आया। तो क्यू डैश बेटा क्या हो जाएगा, बता सकते हो, क्यू डैश इज इक्वल टू क्या होगा, देखो क्यू
अपॉन, डायरेक्ट लिख दूं बी क्यूब माइनस ए क्यूब, ठीक है, इनटू क्या लिखेंगे बताओ, आर क्यूब माइनस ए क्यूब, डायरेक्ट लिख दिया, समझ में आ गया होगा, आना चाहिए। अरे क्यू अपॉन फोर बाई थ्री पाई आर क्यूब इंटू दिस, यही क्यू डैश होगा। तो अब हम आसानी से क्या कर सकते हैं, फील्ड लिख सकते हैं बेटा, तो ई इज इक्वल टू ई एच आर इक्वल टू के, ठीक है, क्यू अपॉन फोर या क्यू इंटू क्या होगा बी क्यू माइनस ए क्यू, ठीक है, इंटू आर स्क्वायर से हम डिवाइड कर देते हैं, तो देखो ये आर माइनस क्या हो जाएगा ए क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, ये तुमको क्या मिल गया, फील्ड का वैल्यू मिल गया। क्या मिला बेटा, फील्ड का वैल्यू मिल गया, समझ में आया ना, कब, जब इनसाइड होगा। और आउटसाइड के लिए तो तुमको मालूम है, थर्ड केस लिखना है तो कुछ सोचना ही नहीं यार। व्हेन थर्ड में देखो, आई मीन व्हेन केस थ्री, सॉरी केस थ्री, व्हेन आर इज क्या होगा ग्रेटर देन क्या हो जाएगा बी, तो सिंपल क्या करना है, स्फीयर विल बी हैव लाइक ए पॉइंट मास, आई मीन आपको क्या करना है, कहीं इस पॉइंट पे पी फील्ड निकालना है, पी पॉइंट यहाँ से सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस, तभी तो आर जो होगा बी से बड़ा होगा। तो इस केस में ये स्फीयर जो होगा दैट विल बिहेव लाइक ए पॉइंट चार्ज सिचुएटेड एट सेंटर, तो यहाँ पी पॉइंट पे आसानी से तुम ई पी लिख सकते हो, क्या होगा के क्यू अपॉन क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। तो इस केस में तीन फार्मूला मिला, तीन वैल्यू मिला, कैविटी के अंदर फील्ड जीरो हो गया, रेडियस जब आर जो है ए और बी के बीच लाई कर रहा है तो उस समय फील्ड का वैल्यू अलग हो गया। अब एक ग्राफ तुमको होमवर्क देता हूँ, थोड़ा ग्राफ ड्रॉ करके बताना बेटा मुझे, आर इक्वल टू जीरो कब, जब आर इज लेस देन ए इक्वल टू के क्यू अपॉन बी क्यू माइनस ए क्यू, ठीक है, इंटू आर माइनस ए क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जब आर क्या होगा लेस देन बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए, और इक्वल टू क्या होगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, जब आर क्या होगा ग्रेटर देन बी, ठीक है, ये तुमको क्या मिल गया, रिजल्ट मिल गया, समझ में आया क्या, ठीक है। अब तुम यहाँ से देख सकते हो, ग्राफ भी इसका कोई पूछे तो शायद तुम लोग ड्रॉ कर सकते हो कि ग्राफ क्या होगा इसका, ग्राफ मैं बाद में बता दूंगा या तुम खुद से ड्रॉ कर लेना, ट्राई करना ग्राफ ड्रॉ करके, ग्रेविटेशन में पढ़ाया हूँ, ये भी क्वेश्चंस ग्रेविटेशन में बताया था। अब कभी कभी क्या होता है कि वेरिएबल मास डेंसिटी दिया रहेगा, एक और प्रॉब्लम कितना टाइम, लेक्चर ठीक है, ये क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन एक मैं बताता हूँ, हालांकि ये ट्राई कर लेना, कल तुम लोग को आई मीन इसके बाद वाले लेक्चर में उसको एक्सप्लेन कर दूंगा कि नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी दिया हुआ है तब हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो ये भी इम्पॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आता भी है कि कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ड्यू टू सॉलिड स्फीयर हैविंग नॉन यूनिफॉर्म वॉल्यूम मास डेंसिटी, इसमें तुमसे वॉल्यूम मास डेंसिटी नहीं चार्ज डेंसिटी, ठीक है। देखो क्या है, कोई स्फीयर है, ठीक है, जिसका रेडियस क्या दिया हुआ है आर दिया हुआ है, सॉलिड स्फीयर है, मैं ये मान लेता हूँ। अब यहाँ मैंने ये मान लिया कि रो इक्वल टू वन माइनस, ठीक है, आर
स्क्वायर अपॉन क्या है, ठीक है, ऐसे डेंसिटी दिया होगा। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, आर क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ठीक है, कैपिटल आर तुमको मालूम है, रेडियस, ठीक है, और रो नट क्या है, कोई कांस्टेंट है, पॉजिटिव कांस्टेंट। समझ में आया? अब इस पे देखो, यहाँ देखोगे रो जो है वो क्या है, वेरिएबल है। ये क्वेश्चन इस, अब जितने भी सॉलिड स्फीयर में वेरिएशन हो सकते हैं सारे मैंने डिस्कस कर दिए। कैविटी से मैंने बोला, यदि नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, ठीक है। यदि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है वो वेरिएबल दिया हुआ है तब हम कैसे, मैंने बताया था उस दिन कि चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो इस केस में आपसे कोई पूछेगा, ठीक है, अब यहाँ क्या है, मैंने मान लिया है देखो चार्ज होगा वो पॉजिटिव होगा, नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब यहाँ भी दो पॉइंट होगा कि वेन कि एट एनी पॉइंट लाइज, ठीक है, इनसाइड स्फीयर, ठीक है, स्फीयर के अंदर निकालना है तो सबसे पहले क्या करना है बेटा, फॉर्मूला वही है, क्या है याद रखो, ई इज इक्वल टू के क्यू डैश अपॉन क्या होगा, स्मॉल आर स्क्वायर। क्यू डैश क्या है, चार्ज, ठीक है, चार्ज इनक्लोज्ड बाई रेडियस आर, ठीक है, बस यही फॉर्मूला तुमको क्या करना है, यूज करना है इसमें। तो अभी देखो यही क्या है, स्फीयर दिया हुआ है, देखो ध्यान से, मुझे क्या करना है, इस पर चार्ज जो है वो नॉन यूनिफॉर्मली क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, यूनिफॉर्मली तो है नहीं यार। तो यहाँ से स्मॉल आर डिस्टेंस पे मुझे क्या करना है, यही इसका सेंटर है, स्मॉल आर डिस्टेंस पे मुझे क्या करना है, फील्ड कैलकुलेट करना है। पॉजिटिव चार्ज है तो बाईसिमेट्री हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, रेडियली क्या होगा, आउटवर्ड होगा, ये याद रखना है, ठीक है। अब इस स्फीयर के अंदर जितना चार्ज होगा यही क्या है बेटा, क्या है, क्यू डैश है। अब क्यू डैश हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो उस दिन बताया था कि हाउ टू कैलकुलेट क्यू डैश, याद आया, क्यू डैश इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, रो डी वी, ठीक है, जीरो टू स्मॉल आर, और डी वी क्या होगा, मैं बता, देखो डी वी हम कैसे लिखेंगे, यहाँ से स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक डी आर क्या करेंगे हम, डी आर विड्थ का शेल कंसीडर कर लेंगे, डी आर। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ये भी लिख देता हूँ डायरेक्ट, मैं लिख देता हूँ जीरो टू स्मॉल आर रो इंटू फोर पाई आर स्क्वायर डी आर, ये याद ही होना चाहिए, यहाँ वैल्यू रख दो रो का तो जीरो टू स्मॉल आर। यदि टोटल चार्ज निकालना होगा तो इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे, जीरो टू कैपिटल आर, क्योंकि मुझे Q डैश निकालना है। Q डैश का मतलब क्या हुआ, स्मॉल r स्फीयर के अंदर, स्मॉल r रेडियस के स्फीयर के अंदर जो चार्ज है वही क्या है, Q डैश है, ठीक है। तो यहाँ देखो रो का वैल्यू रख दो बेटा वहाँ, तो क्या होगा, रो नट इंटू वन माइनस, ठीक है, r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इंटू फोर पाई r स्क्वायर डीआर। ये तो आसान है यार इंटीग्रेट करना, तो तुम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। देखो कैसे कैलकुलेट करोगे, अब तो इंटीग्रेशन है यार, कांस्टेंट को बाहर लिख दो, तो देखो Q डैश इक्वल टू क्या होगा, 4 पाई रो नट, ठीक है, इंटीग्रेशन आर स्क्वायर डी आर जीरो टू स्मॉल आर माइनस क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन, देखो ये आर एस टू क्या हो जाएगा, आर एस टू फोर आर स्क्वायर डी आर जीरो टू स्मॉल आर, सही है। देखो यहाँ क्यू डैश इज इक्वल टू फोर पाई रो, यहाँ लिख सकते हो आर एस टू थ्री बाई थ्री माइनस, इसको लिख सकते हो आर एस टू फाइव बाई फाइव आर स्क्वायर, क्यू डैश मिल गया बेटा,
ठीक है, समझ में आया ना। अब यहाँ वैल्यू रख दो, देखो E का जो वैल्यू मिल गया वो क्या होगा K, ठीक है। Q डैश कितना मिला, यहाँ मैं लिख रहा हूँ 4 पाई रो, ठीक है, K इंटू, अब देखो R स्क्वायर है तो R स्क्वायर लिखोगे तो क्या लिखोगे, R बाई 3 माइनस R, ठीक है, 3 डिवाइडेड बाई 5 कैपिटल R स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ मिल गया, अंदर, ऐसे भी लिख सकते हो E इज इक्वल टू रो अपॉन इप्सिलन 0, रोनट है ना कि रो है, रोनट है तो रोनट लिख लेना बेटा, इंटू आर बाई 3 माइनस आर क्यू बाई 5 आर स्क्वायर। ये कब, जब आर क्या होगा लेस देन इक्वल टू क्या होगा, बाहर के लिए तुमको क्या करना है, बाहर के लिए तो ये यूनिफॉर्म होगा नॉन यूनिफॉर्म होगा, आउटसाइड के लिए क्या होगा पॉइंट मास की तरह क्या होगा हम ट्रीट करेंगे इसको, सॉरी पॉइंट चार्ज की तरह, पॉइंट मास की तरह नहीं, ठीक है। तो फॉर आउटसाइड कुछ नहीं लिख रहा हूं, देखो ध्यान से, फॉर एनी पॉइंट आउटसाइड अगेन ई इज इक्वल टू क्या होगा के क्यू डैश अपॉन क्या होगा स्मॉल आर स्क्वायर। अब आउटसाइड के लिए कैलकुलेट करना, देखो ध्यान से, ठीक है, सोचो इसको, की पॉइंट तो यार इस स्फीयर के अंदर जो चार्ज होगा वही यही चार्ज होगा, ठीक है, कौन सा चार्ज होगा, यही चार्ज होगा। तो यहाँ क्या होगा Q, देखो Q इनक्लोज, यहाँ हम कैसे निकालेंगे इसको मैं रेफर कर रहा हूँ, देखो यहाँ ध्यान से कि इस इक्वल टू क्या होगा 4 पाई रोनट इंटीग्रेशन 0 टू कैपिटल R आर स्क्वायर डी आर माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर आर रेज टू 4 डी आर 0 टू आर सॉरी स्मॉल आर रेज टू। इसको सिंप्लीफाई करोगे, देखो डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ क्यू डैश इक्वल टू 4 पाई रोनट इंटू आर बाई 3 आर क्यू बाई 3 माइनस क्या हो जाएगा आर क्यू बाई क्या हो जाएगा 5 और क्यू डैश तुमको यहाँ मालूम चल जाएगा 8 पाई रोनट अपॉन क्या होगा 15 आर क्यू। और वैल्यू रख दो यहाँ तो ई इज इक्वल टू, अब तो वैल्यू रख सकते हो कि क्यू डैश अपॉन क्या होगा आर स्क्वायर। तो ऐसे हम क्या करते हैं फील्ड कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो ये नॉन यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी दिया हुआ रहेगा तो हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे अभी हमने देखा। एक पॉइंट और बचा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ेंगे और फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो आज के क्लास में बस इतना ही, इसको अच्छे से, आज का जो लेक्चर्स था इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ हमने कॉन्सेप्ट भी देखा, कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखा जिसको आपको सॉल्व करना चाहिए। और इस लेक्चर्स में कोई भी डाउट हो तो आप डाउट क्लास में विदाउट एनी हेजिटेशन आप पूछ सकते हैं, ठीक है, ओके, थैंक यू।